हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुजी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 की फर्स्ट एक्सरसाइज का एग्जांपल नंबर 4 और 5। तो जिन्होंने इससे पहले के एग्जांपल्स नहीं देखे हैं, उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से वो एग्जाम्पल्स भी कवर कर सकते हैं। तो फिलहाल फर्स्ट एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 4 है, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर। यानी कि जो मिनट वाली सुई होती है वॉच में, उसकी जो लेंथ आपको दे रखी है वो 1.5 सेंटीमीटर दे रखी है। मान लीजिए ये कोई वॉच है, उसमें तीन तरह की सुइयाँ होती है, मिनट, आवर या फिर सेकेंड। ये फिलहाल मिनट वाली सुई की बात कर रहा है, उसकी जो लेंथ है मिनट वाली सुई की वो दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। लेंथ हमें गिवन है, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। ये कहता है कि 40 मिनट में इसकी जो टिप है टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी, कितना डिस्टेंस ये कवर करेगी 40 मिनट में। और कहीं पर भी अगर पाई की वैल्यू का यूज करना हो तो आपने वैल्यू पुट करनी है 3.14। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरह से कर सकते हैं। तो मिनट वाली सुई की अगर हम बात करें, तो वो जो है 60 मिनट में, इन 60 मिनट्स मिनट वाली सुई की हम बात कर रहे हैं, 60 मिनट में वो एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगी। क्योंकि आपको पता है 60 मिनट के बाद मिनट वाली सुई वापस उसी जगह आ जाएगी। तो इसका मतलब 60 मिनट में जो मिनट वाली सुई है वो टोटल कितना एंगल कवर कर रही है, 360 डिग्री। तो इन 60 मिनट द मिनट हैंड, इन 60 मिनट द मिनट्स हैंड्स कवर 360 डिग्री। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 360 डिग्री। क्योंकि 60 मिनट के बाद वो अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर रही है, तो टोटल जो डिस्टेंस, टोटल जो एंगल होगा वो 360 डिग्री का कवर करेगी। बट क्वेश्चन में पूछा गया 40 मिनट में, तो 40 मिनट में इन 40 मिनट्स वो टोटल कितना एंगल कवर करेगी। तो हम कह सकते हैं 40 डिवाइड बाय 60 इंटू 360 डिग्री, ये कवर करेगी 240 डिग्री। लेकिन अगर हम बात करें, फिलहाल जो हमने एंगल निकाला है वो डिग्री में निकाला है, डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो हम यहाँ पर करेंगे पाई डिवाइड बाय 180 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास आएगा, ये 6 पे कटेगा, 4 पाई डिवाइड बाय 3 रेडियन। तो 40 मिनट में वो सुई टोटल कितना एंगल कवर करेगी, 4 पाई डिवाइड बाय 3 हमने यहाँ तक निकाल लिया। अब लेकिन यहाँ पर एंगल नहीं पूछा गया, इसने ये पूछा कि वो टोटल 40 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। देखिए इस एक्सरसाइज लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर कभी भी थीटा की वैल्यू निकालनी हो, थीटा जो होता है वो होता है आर्क डिवाइड बाय रेडियस। अगर हम आर्क को हम लिख लेते हैं एल से, रेडियस को हम डिनोट करते हैं आर से, तो थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइड बाय आर, वेयर एल इज द आर्क एंड आर इज द रेडियस। इस क्वेश्चन में आपने जो वैल्यू निकालनी है, L की वैल्यू निकालनी है, R आपको गिवन है, थीटा आपको गिवन है। तो यहाँ से L का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा थीटा इंटू आर। थीटा अभी हमने वैल्यू कैलकुलेट करी है, थीटा की वैल्यू जो है, थीटा यानी कि एंगल कितना अभी हमने निकाला है, 4 पाई डिवाइड बाई 3। और रेडियस यानी कि उसकी लेंथ आपको कितनी गिवन थी, लेंथ आपको गिवन थी 1.5 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में ही गिवन है कि आपने जो पाई की वैल्यू कंसीडर करनी है, 3.14 कंसीडर करनी है, तो ये 1.5 है, ये इसका एग्जैक्ट डबल है, तो ये कटेगा किस पे, 2 पे, ये कटा 2 पे, आंसर आ गया हमारे पास 2 पाई। जब हम पाई की वैल्यू पुट कर रहे होंगे यहाँ पर, तो पाई की वैल्यू 3.14, तो 2 इंटू पाई, 2 इंटू 3.14, आंसर आएगा 6.28 सेंटीमीटर। यानी कि 40 मिनट में जो मिनट वाली सुई है टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 6.28 सेंटीमीटर। एक बार जल्दी से रिपीट कर देते हैं, क्वेश्चन में ये दे रखा था कि 40 मिनट में टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी, हमें इतना पता है 60 मिनट में मिनट वाली सुई पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करती है। तो 60 मिनट में एक रोटेशन का मतलब, एक रिवोल्यूशन का मतलब 360 डिग्री होता है। तो 60 मिनट में 360 डिग्री है, तो 40 मिनट में कितने डिग्री होगा, 240 डिग्री। उसको हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, वो हमारे पास आ गया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई थीटा की।
थीटा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फिर से हम बात कर रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू अर्क अपॉन रेडियस, अर्क को एल से डिनोट किया, रेडियस को आर से, यहाँ से फॉर्मूला एल का निकलेगा, एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, थीटा की वैल्यू पुट करी और हमें रेडियस हमें गिवन था, तो जब हमने सोल्व किया आंसर आएगा 6.2।